आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल की फॉर्मेटिंग ट्रिक्स। आप दोनों, रिकॉर्डिंग दे देना। हाँ, रिकॉर्डिंग के परमिशन दे दिए, आपने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर। तो हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग के बारे में। देखिए क्या है कि कोई भी रिपोर्ट जब हम बनाते हैं उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, उसकी फॉर्मेटिंग इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको, अभी मैंने मान लीजिए कि एक छोटा सा रिपोर्ट आपको मैं दिखाता हूँ, या अभी मैं न्यू में जाता हूँ, यहीं से टेम्पलेट ही दिखाता हूँ आपको। चलिए मैंने इसी टेम्पलेट को आपको शो कर दिया। तो एक मिनट, डाउनलोड हो रहा है। तो जो टेम्पलेट बना हुआ है, जो रिपोर्ट बना हुआ है, तो बेसिकली इसमें फॉर्मूला और बाकी चीजें तो यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन फॉर्मूला को पहले कौन देखता है? पहले तो हम इसकी फॉर्मेटिंग को देखेंगे ना सर। कोई भी आएगा सबसे पहले इसकी फॉर्मेट को देखेंगे। तो रिपोर्ट कैसा है, किस तरह का इंफॉर्मेशन रखता है, वो डिपेंड करता है फॉर्मेटिंग के ऊपर, राइट? और जब हम फॉर्मेटिंग लगाते हैं तो फॉर्मेटिंग से ही पता चलता है कि उसका रिपोर्ट क्या है, कैसे है, मतलब कि अंडरस्टैंड होता है। जैसे ये रिपोर्ट देख लीजिए, तो इसमें यहां पे जो है कई सारे चार्ट्स लगे हैं, यहां फॉर्मूले भी लगे हैं, लेकिन ये इसकी इंपोर्टेंस क्या है, इसकी फॉर्मेटिंग। सो फॉर्मेटिंग इंपोर्टेंट है क्योंकि आप फॉर्मूला लगा देंगे, कोई इंफॉर्मेशन ऐसी निकाल के दे देंगे तो उतना अच्छा नहीं होगा। जैसे कि फर्नीचर में अगर लकड़ी को कील से ठोक दिया जाए तो फर्नीचर फर्नीचर थोड़ी होता है। जब तक कि उसको पॉलिश करके एक अच्छा सा शेप और अच्छी सी फिनिशिंग नहीं दी जाती तब तक वो फर्नीचर नहीं कहलाता है। तो फर्नीचर की मजबूती डिपेंड करता है लकड़ी के ऊपर, लेकिन सबसे पहले हमारा नजर किस पे जाता है, उसकी फर्नीचिंग और उसकी डिजाइन और उसका आर्किटेक्ट के बारे में पे जाता है ना सर। हम सबसे पहले उसकी लकड़ी तो नहीं देखते ना। उसी तरह से क्या होता है, जब आप किसी को रिपोर्ट भेजते हैं, तो अगर आपने 10 लोगों को रिपोर्ट भेजा तो जरूरी नहीं है कि 10 लोग आपकी रिपोर्ट को देख लें, ठीक है? वो 10 लोग आपकी रिपोर्ट को देखेंगे इसका गारंटी नहीं है। लेकिन उसमें से अगर मान लीजिए कि अगर 2 लोगों को आपकी रिपोर्ट बड़ी अच्छी लगी तो वो क्या करेंगे, उसी समय आपको उस रिपोर्ट को देख लेंगे। तो अगर क्या होता है कि उसमें जो हाइलाइट्स होते हैं, जो कि फॉर्मेटिंग उसको हाइलाइट करता है, वो फॉर्मेटिंग जो है वहां पे आपको ये डिसाइड करता है कि रिपोर्ट्स जो है वो कितना बेनिफिशियल है। तो चलिए ऐसी हम छोटी मोटी फॉर्मेटिंग के बारे में आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ काफी तेज बारिश हो रही है, तो हो सकता है थोड़ा सा इंटरनेट वीक हो, तो थोड़ी सी क्लास की क्वालिटी ब्लर हो जाए, बट मैनेज कर लीजिए। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम डेट लिखते हैं, तो यहां पे लिखते हैं ना 10 जुलाई, तो अगर इसको एमएस वर्ड पे आप लिखेंगे तो टीएस जो है ऊपर की तरफ प्रीफिक्स सफिक्स में चला जाएगा। तो हम एक्सेल में बाय डिफॉल्ट नहीं जाता है, तो एक्सेल में कैसे करें, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहां हम फॉर्मेट सेल पे चले जाएंगे और फॉर्मेट सेल पे जो है हमारा यहां सुपर स्क्रिप्ट होता है। सुपर स्क्रिप्ट को सिलेक्ट कीजिए एंड ओके कीजिए। देखिए टीएच ऊपर चला गया। जैसे आपको 10 डिग्री लिखना है
तो आप 10 और डिग्री को स्मॉल में लिखें और यहां राइट क्लिक करते हैं फॉर्मेट से, यहां हम सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो यहां आपका ऊपर चला जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉर्मेटिंग पर आ रहे थे, देखिए जनरली आपको कलर करना, यहां से आप कलर कर दें, ये आपका फॉन्ट टेक्स्ट का कलर जो टेक्स्ट है इसका कलर यहां से चूज कर सकते हैं, बॉर्डर आप यहां से चूज कर सकते हैं, लाइनिंग आ जाए, बोल्ड इटालियन लाइन, फॉन्ट फॉन्ट की साइज अलाइनमेंट वगैरह तो यूज करते ही है, इतना तो आपको आता ही है। लेकिन इसमें कुछ जो फॉर्मेटिंग के ट्रिक्स है जो मेरे हिसाब से आपको नहीं आता है उसको हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 10 डिग्री हमने लिखा, बट प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे कई सारे नंबर्स है और मुझे उन नंबर्स को डिग्री लगाना है, तो अब मुझे एक एक करके इसके अंदर जाऊंगा और हम यहाँ स्मॉल ओ लिखेंगे, फिर यहाँ डबल क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल एंड सुपर स्क्रिप्ट, तो दिक्कत हो जाए। अगर मान लीजिए कि हमने इसके साथ कॉनकेटेनेट और बाकी चीजें लगा के हमने ओ लिख भी दिया तो इस ओ पे मैनुअली सेलेक्ट करके सुपर स्क्रिप्ट करना होगा, लेकिन मुझे दिखाना तो उसी तरह से है, कैसे करें? तो चलिए एक छोटे से ट्रिक्स के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि कैसे करेंगे। हम यहाँ स्मॉल में ओ को यहाँ लिखते हैं और इस ओ को हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, फिर साइज को कॉलम के साइज को छोटा करते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि इनको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल और यहाँ हम सुपर स्किप कर देते हैं, ऊपर तो छोटा हो गया। और फिर उसके बाद हम इनको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल में जाते हैं और यहां हम क्या करेंगे, बॉर्डर करेंगे। तो हमने चारों तरफ का आउटलाइनर ले लिया और बीच की जो लाइनिंग है वो लाइनिंग हमने ले ली, बस ये जो ए वाली लाइनिंग होती है ये हम नहीं लेंगे। उसके बाद इसकी जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं यहां से व्हाइट कर देता, बैकग्राउंड कलर। अब कॉलर कॉलम को छोटा कर दीजिए, अब आपको दिख रहा है ना बिल्कुल 10 डिग्री, हालांकि दो अलग अलग सेल्स में है लेकिन हमने इस तरह से इसकी विजिबिलिटी दे दी है जो जो जैसा हम चाहते हैं उसी तरह से विजुअल हो रहा है। तो फॉर्मेट का काम यही है कि विजुअल्स को आपको अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर देगा। समझ गया बासु जी? जी सर। सुधीर जी आपको कोई डाउट है इसमें? नहीं, नो सर। तो इस तरह से इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे H2O लिखना है, मुझे हम डबल क्लिक करेंगे, टू को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल और उसको हम यहाँ सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करके ओके, सुपर स्क्रिप्ट पे सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे करना है ना, पढ़े होंगे 9th में लोग केमिकल, इसका वाटर का फॉर्म होता है, केमिकल फॉर्म होता है, इस तरह से इसको यहाँ लिख सकते हैं। ये चीज है ही, उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। वैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इस नंबर की अगर हम प्रिंट आउट निकालें तो क्या होगा? आपको अगर उसमें कोई गलत है तो हमें क्या करेंगे, पेंसिल से मार्क कर देंगे ना सर? तो अगर मान लीजिए कोई नंबर गलत है तो पेन आपके पास है, पेन लेंगे यहां से ऐसे क्रॉस कर देंगे। ये तो मेरा जूम का है वो उससे मैं कर रहा हूं, देखिए आप कैसे क्रॉस करेंगे, एक्सेल में कैसे क्रॉस करेंगे, शो करना हो क्रॉस तो देखिए इसमें एक तरीका और है कि यहाँ आप फॉर्मेट सेल में ही आपके सामने यहाँ आपको दिख रहा होगा स्ट्राइक थ्रू, इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन नंबर पे उतना बेनिफिट नहीं, किस पे बेनिफिट है? तो चलिए छोटा सा यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैटर ही देख लीजिए, इसी को मैं लेते हैं, इसी को मैं कॉपी किया। अब इसको कॉपी करने के बाद मुझे एक्सेल सीट पे चाहिए पेस्ट करना है,
तो अब बहुत बड़ा डेटा है, एक सीट पे तो पेस्ट होगा नहीं, तो हमने कई सारे सेल्स को, एक सेल पे होगा नहीं, कई सारे सेल्स को सिलेक्ट किया और यहां से मर्ज कर दिया ताकि वो एक सेल बन जाए। फिर इस पे डबल क्लिक करके हमने उसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब यहां से हम इसको कभी कभी क्या होगा, पेस्ट करेंगे तो इस तरह से दिख जाएगा, तो आप यहां से उसको रैप कर दीजिएगा, इसको यहां से सेंटर कर दीजिएगा, और थोड़ा सा टेक्स्ट को साइज को छोटा करेंगे तो बाकी जो टेक्स्ट जो विजुअल नहीं, विजुअल हो जाएगा। अब इससे मान लीजिए कि मुझे यहां अगर अनसब्सक्राइबर जो है इसको हम इसको चेंज करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं क्योंकि ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो हम फॉर्मेट सेल में आएंगे और यहाँ स्ट्राइक थ्रू कर देंगे एंड ओके कर देंगे, तो ये दिख जाएगा। अब यहाँ पे बेटर लग रहा है कि हाँ ये काटा गया, लेकिन यहाँ पे ऊपर जो हम कर देते हैं वो उतना अच्छा नहीं होता। तो इसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बॉर्डर का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे भी जा सकते हैं, या फिर जो नीचे एरो, तीन एरो निशान दिख रहा है ना, तीनों में से किसी भी क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्मेट सेल आ जाएगा। और फॉर्मेट सेल में हम बॉर्डर पे आते हैं, और बॉर्डर के ऊपर अब हो सके तो कलर भी चेंज कर लीजिए, बॉर्डर की थिकनेस भी चेंज कर लीजिए, और यहां से इसको सेलेक्ट कीजिए और यहां से इसको सेलेक्ट कीजिए एंड ओके करो। अब बेटर लग रहा है ना सर पहले से? अब आशीष जी समझ में आया आपको? यस सर। एक शॉर्टकट होता है F4, F4 प्रेस करते हैं तो क्या करता है, लास्ट एक्शन को रिपीट करता है, लास्ट एक्शन जो है आपका, लास्ट स्टेप जो है उसको रिपीट करेगा। अगर मुझे राइट का निशान लगाना है तो फॉर्मेट सेल में आते हैं, राइट का निशान में तो ग्रीन कलर होना चाहिए, हमने ग्रीन को सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया और नीचे वाले को सिलेक्ट कर लिया सर। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मेटिंग है, अब इसके बिहाफ पे कोई फिल्टर या किसी तरह के कंडीशंस को आप चेंज नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। इसके बिहाफ पे किसी तरह का फॉर्मेटिंग है, किसी तरह का कंडीशंस अप्लाई नहीं कर सकते। मान लीजिए मुझे पता करना है कि कितने क्रॉस वाले कितने, तो इस तरह की जो चीज आप नहीं कर सकते, समझ गए? क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्मेटिंग कभी भी, सर बैकग्राउंड शोर आ रहा है, तो फॉर्मेटिंग कभी भी आपकी फॉर्मूला को, फॉर्मूला कभी भी फॉर्मेटिंग को रीड नहीं करता है। तो मुझे इसी तरह का यहां पे चाहिए, तो यहां मैं कैप्स में पी को लिखता हूं और इसके ऊपर मैं सिलेक्ट करता हूं राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, और फॉर्मेट सेल में हम यहाँ एक फॉन्ट होता है बाइंडिंग टू, या फिर यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं कि पी लिख दिया और यहां से भी ले सकते हैं, एक फॉन्ट होता है बाइंडिंग टू या बेडिंग टू, कुछ ऐसा ही होता है, ये रहा। इसको आप सेलेक्ट क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, तो वो क्या करेगा, फॉन्ट क्या करता है, लिखावट को चेंज करता है, तो आपको जो पी है पी को इस तरह के निशान में कन्वर्ट कर देगा, और क्रॉस में ओ लिखते हैं तो ये आपको क्रॉस में हो जाएगा, तो इसकी विजिबिलिटी आपको क्रॉस एंड राइट का निशान सर। हाँ जी, ये फिल्टर में सिलेक्ट होगा, अगर फिल्टर लगाऊंगा जरूर होगा, क्योंकि ये जो आप, आपका जो लेटर दिख रहा है एक्चुअली विजिबल ऐसा है, तो पी आया हो। अच्छा ठीक है, ठीक है, समझ गया। इसका इस्तेमाल, और इसको कहीं कॉल भी कर सकते हैं, इसके बिहाफ पे इफ कंडीशन वगैरह फॉर्मूले वगैरह भी लगा सकते हैं ना आप, लेकिन एक चीज दिक्कत यहाँ रखिएगा, हो सकता है कि आपके पीसी में फॉन्ट ना हो,
रीजन एक जो फॉन्ट होता है किसी एक एमएस ऑफिस का पार्ट नहीं होता है, वो पार्ट होता है आपका विंडो का। अब आपके विंडो में अगर इस तरह के फीचर्स नहीं हुए, इस तरह की फॉन्ट अवेलेबल नहीं हुआ, तो दिक्कत हो सकता है, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हमने एक बार किया था कि हमने कैप्स में जे को लिखा था और इस जे को हमने अलाइनमेंट के माध्यम से, या अलाइनमेंट है ना हमारा फॉन्ट भी नंबर फॉर्मेट है, फॉर्मेटिंग जब फॉर्मेट सेल करते हैं तो कई सारे आते हैं, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल प्रोटेक्शन। तो बॉर्डर हमने आपको बता दिया, फॉन्ट हमने बता दिया आपको, फिल नॉर्मल है कलर लेने का, और अलाइनमेंट में हम भर रहे हैं। अलाइनमेंट में इसको -45 डिग्री के ऊपर एंगल पे इसको रोटेट कर, या फिर यहां से भी आप, ये आपका -45 डिग्री है, इसको भी ले सकते। तो -45 डिग्री रोटेट करेंगे तो जे कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, क्या अलाइनमेंट इसी तरह की चीजों के लिए बना है या कुछ और भी कर सकते हैं? जी हाँ, कुछ और भी कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और दिखाते हैं। एक छोटा सा मैं अटेंडेंस का फॉर्मेट बना रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे नेम हो गया और डेट दे देता हूँ, जुलाई का डेट दे देता हूँ, और हम क्या कर रहे हैं इसको आगे की तरफ ड्रैग करते हैं। अगस्त हटा देते हैं, अगस्त नहीं चाहिए, और यहां पे हम पूजा कुछ डेटा ले लेते हैं 20 तक कर देते हैं हम, और इसमें पी कर देते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि इसको हम एक पेज पे प्रिंट नहीं कर सकते। हमने कंट्रोल पी प्रेस किया तो प्रिंट का आ गया। अब चलिए हम इसको एक काम करते हैं, पोर्ट्रेट के जगह पे लैंडस्केप कर लेते हैं, तो भी हमें 11 तक ही पार पाए। चलिए इसको मैं करता हूँ कि नॉर्मल मार्जिन की जगह पे नैरो मार्जिन ले लेता हूँ, फ्री में 13 जुलाई तक गया। तो डेट रोटेट कर दोगे ना सर आप? हाँ, डेट रोटेट कर सकते ना ऊपर। हाँ जी हाँ जी, तो वही मैं समझाने जा रहा हूँ कि नहीं आ रहा। देखा कि जो डेटा हमारा है वो स्मॉल है, बाकी आपका हेडिंग ही तो बड़ा है। तो हमने हेडिंग को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहां से 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर सकते हैं इसलिए, या फिर आप यहीं पे डायरेक्ट जो है यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, एक्सा रोटेट हो गया। अब मैंने पूरे सीट को सिलेक्ट किया यहां पे, और ये जो बॉर्डर है इस पर डबल क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा सारा ऑटो फिट हो जाएगा, तो आसानी से एक पेज से प्रिंट आ जाएगा। तो इस तरह के फीचर्स भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, मर्ज पे थे, हम रैप की बात करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सुजीत लिखा और नाम में कुमार देता हूं, तो नाम हमारा अगले सेल पे चला जाता है। तो इसको सिलेक्ट करके मैं यहां से रैप टेक्स्ट करूंगा तो नीचे की तरफ टूट के चला आएगा। पर रैप टेक्स्ट जनरली आप लोग करते होंगे तो ये क्या होता है कि भाई कॉलम के साइज के अकॉर्डिंग होता है ना, और फिल के साइज टूटता है, लेकिन मुझे अपने हिसाब से नीचे तोड़ना है तो टाइप करते समय मैं ऑल्ट एंटर प्रेस कर दूंगा। क्या करूंगा? ऑल्ट एंटर, ऑल्ट एंटर प्रेस करके जैसे नीचे आऊंगा आप देखेंगे कि आपका 1 2 3 7 4 1 3 6 9 ये टूट गया। ठीक है सर, लेकिन दिक्कत एक और है कि अगर आप रैप टेक्स्ट कर देते हैं तो आपकी, अगर इस पे डबल क्लिक करते हैं तो आपकी कॉलम की साइज बढ़ जाती है ऑटो फिट होके, आप रैप टेक्स्ट करते हैं तो रो की हाइट बढ़ जाती है। तो ना मुझे रो की हाइट बढ़ानी है, ना मुझे कॉलम का विड्थ बढ़ाना है। हम चाहते हैं कि जितना बड़ा मेरा डेटा है उसी में मेरा जो टेक्स्ट है वो फिट हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और यहां हमारे सामने होता है श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट में क्या होगा कि अब कॉलम की साइज छोटी होगी, कॉलम बड़ा होगा तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा किया और बड़ा होगा।
लेकिन बड़ा उसकी ओरिजिनल साइज तक होगा, ऐसे कि मैं बहुत बड़ा कर दूं तो बहुत बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ओरिजिनल साइज जो है वहां तक जाए। लेकिन मान लीजिए मुझे ऐसी फीचर चाहिए कि मैं कॉलम को चाहे जितना बड़ा करूं उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली बड़ा होता जाए, और ये फीचर अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सबसे हाईएस्ट टेक्स्ट साइज डिफाइन करूंगा, ठीक है। अब मैं रो की हाइट बढ़ा रहा हूं, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना सर, ऐसे मैक्सिमम साइज डिफाइन कर लेंगे तो ये आपका काम हो जाएगा। अब रैप टेक्स्ट के बाद हम मर्ज सेल पे आते हैं, हमने अभी थोड़ा पहले दिखाया आपको कि हमने सेल को मर्ज कर लिया था यहाँ पे ताकि बड़ा डेटा एक बड़ी सेंटेंस या पैराग्राफ आ सके। तो मर्ज में कई चीजें हैं जैसे कि मर्ज एंड सेंटर, इसका मतलब क्या हुआ कि मर्ज भी कर दिया और यहाँ पे सेंटर भी कर दिया। अगर मैं मान लीजिए कुछ टाइप करूंगा तो सेंटर में टाइप होगा, तो यहां अगर मिडल करना चाहते हैं तो मिडल कर दीजिए, फिर मिडल में होगा आपका। लेकिन सिर्फ मर्ज करना चाहता हूं, मर्ज और सेंटर नहीं करना चाहता हूं मैं, तो यहीं पे आपको सिर्फ मर्ज सेल आए। अब मर्ज सेल में क्या होता है कि पूरा एक सेल बना देता है, कि एक और हमारे पास है अक्रॉस मर्ज। अक्रॉस मर्ज में क्या होता है कि सिर्फ कॉलम को मर्ज करता है रो, सिर्फ कॉलम को मर्ज करता है रो को मर्ज नहीं करता है, मर्ज अक्रॉस, देखिए सिर्फ कॉलम को मर्ज किया रो को मर्ज नहीं किया। अब अलाइनमेंट के बाद हम चलते हैं नंबर फॉर्मेटिंग में। नंबर फॉर्मेटिंग काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सेल का, इसका ध्यान रखिएगा, मतलब कि जो हम नंबर टाइप करते हैं उसकी फॉर्मेटिंग। तो जनरली फॉर्मेटिंग तो यहाँ है कि डॉलर का साइन यहाँ लगा लीजिए, परसेंटेज यहाँ है, कॉमा सेपरेट यहाँ है, डेसिमल प्लेसेस आप यहाँ से बड़ा घटा सकते, ये तो क्विक है। लेकिन इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि डॉलर साइन में भी आपको कुछ ही डॉलर है और साइन चाहिए आपको तो क्या होगा। तो यहाँ हम नंबर फॉर्मेट पे आते हैं जिसके कई सारे कैटेगरी है और जिसको ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। अब इसमें जैसे कि यहाँ हमारा पास है जनरल, मतलब जैसा टाइप करेंगे वैसा होगा। फिर आता है नंबर, नंबर में क्या होगा, एक तो यहाँ पे आता है डेसिमल प्लेसेस, कितना डेसिमल प्लेसेस को इसमें स्टोर करना है आप। फिर इसमें आता है कि अगर यूज 1000 सेपरेटर, कि 1000 के सेपरेटर लग जाए। उसके बाद अगला यहाँ आता है कि अगर आपका डेटा निगेटिव में हुआ तो क्या होगा, अगर आपका डेटा निगेटिव हुआ तो क्या होगा। तो उस केस में क्या होगा हमारा, कि यहां से चार ऑप्शन है, माइनस कर लें या माइनस में रेड कर लें या फिर ब्रैकेट कर लें या ब्रैकेट में रेड कर लें, ये यहां पे आएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे नीचे का सेलेक्ट कर दिया तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जैसे माइनस में यहां मैं लिखूंगा आप देखेंगे इस तरह के कलर रेड हो जाएगा। ये तो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद नंबर पे आते हैं, तो सेम है करेंसी में, सिर्फ करेंसी का सिंबल आप यहां से ले सकते हैं। अब ये इसमें आपको हम जैसे इंडिया का रुपीज का सिंबल मिल जाएगा, लेकिन आपके पास अगर विंडो 8 है, विंडो 7 है, सॉरी 8 तो है, विंडो 7 में नहीं आ पाएगा क्योंकि विंडो 7 बहुत पहले लॉन्च हुआ था। तो ये आपके इस पे अगर जिसका मान लीजिए जिस करेंसी का फॉन्ट नहीं है तो आपको उसका फॉन्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे करेंसी कोड भी, जैसे INR करेंसी कोड भी लगा सकते हैं यहाँ पे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अकाउंटिंग में जस्ट करेंसी कोड ही, करेंसी कोड या फिर अपना सिंबल लगा सकते हैं। लेकिन इसका एक और यूज हम करते हैं, जैसे कि हम रैंड मान लीजिए कि रैंड बिटवीन से हम एक डेटा सिंपल सा निकाल रहे हैं,
इस डेटा में क्या है कि जीरो को थोड़ा सा फाइंड करना मुश्किल हो रहा है कि जीरो कहाँ था। तो बहुत सारे लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कलर कर देते हैं, बट कलर नहीं करना चाहते कलर, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीजों के लिए कलर पहले से किया गया है, सो हम कलर नहीं करना चाहते। तो राइट क्लिक करेंगे हम, फॉर्मेट सेल पे आते हैं और फॉर्मेट सेल पे ही हमारे सामने अकाउंटिंग, यहां से आप सैंपल में नन कर दीजिए, यहाँ पे जीरो कर दीजिए, डेसिमल प्लेसेस रखना है तो ठीक है, नहीं रखना है तो जीरो कर दीजिए एंड ओके। अब देखेंगे जीरो जो है डैश हो गया। अभी तो ध्यान रखिएगा इसकी जस्ट विजिबिलिटी चेंज हुई है, ओरिजिनल में आप देखेंगे कि यहाँ जीरो ही है, क्योंकि एक सिंपल सा थ्योरी है एक्सेल के अंदर में कि किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग एक्सेल के डेटा शीट को एक्सेल के जो डेटा है उसको चेंज नहीं करता है, उसकी विजुअलिटी को चेंज करता है, ओरिजिनलिटी को नहीं। ओरिजिनल जो है वो वही रहेगा, बस उसका विजुअल चेंज कर देगा। यहां इसने विजुअल ही चेंज कर रहा है, ओरिजिनल जैसा है वैसा ही है। ओके अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब नंबर फॉर्मेट में हम बढ़े आगे, तो अगला हमारा आता है, वो आता है डेट का। अब जैसे मुझे आज का डेट लिखना है तो मैं लिखूंगा 7 month और जुलाई। हाँ बासी जी कुछ पूछ रहे हैं? यस सर, अगर मैं इफ आई डू डिलीट जीरोस फ्रॉम ऑल द डेटा कैसा कर सकते हो उनको इधर में? अच्छा अच्छा, चाहते हैं कि जितने भी जीरोज है उसको डिलीट कर। हाँ, सिर्फ जीरो क्या? ओके, एक जाइए बताता हूँ आपको। यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस होता है। रिप्लेस को ऊपर में जीरो डालिए, नीचे में कुछ मत डालिए, रिप्लेस और कर। लेकिन तो अगर किधर में तो 10 है ना, उनके भी जीरो भी रिप्लेस होते हैं ना? उनके भी जीरो रिप्लेस हो जाएंगे, आपने सही कहा। हाँ, उसके लिए ऑप्शन है, मैं भूल कर गया। उसी में जब रिप्लेस आप करते हैं फाइनल, तो गो टू स्पेशल में, सॉरी माफी, रिप्लेस में ही आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन में यहां दिखा होगा मैच एंटायर सेल कंटेन। हाँ मैच एंटायर, ठीक है सर, समझ गया ना? हाँ सर, थैंक यू। दे देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 लिखा होगा, राइट? सेलेक्ट करता हूँ और रिप्लेस में चला जाता हूँ और यहाँ पे मैच एंटायर सेल कंटेन करके रिप्लेस ऑन कर। 10 नहीं दिखा आपको सर? हाँ, थैंक यू सर। आगे वाले टॉपिक की तरफ, ये आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन था। तो डेट हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा है 7/21, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि मेरा सिस्टम में है MMDDYY, पहले मंथ फिर डे फिर ईयर। तो करेंट ईयर का डेट है तो ईयर डालने की जरूरत नहीं, हमें एंटर मार, ईयर ऑटोमेटिक दे देता है। अब इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है अपने हिसाब से, तो कैसे करेंगे? तो यहां हम आते हैं किसमें, डेट में, नंबर फॉर्मेट के डेट में। यहां पे हमारे साथ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, आप इन फॉर्मेट, जो फॉर्मेट आपको चाहिए उस तरह का फॉर्मेट को सिलेक्ट करें एंड ओके कर दो। यहाँ पे कंट्री भी है, क्योंकि हर कंट्री का एक अपना अलग अलग फॉर्मेट होता है, यहाँ पे अपना अलग अलग फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट पसंद है उसको सिलेक्ट कीजिए एंड ओके कर दीजिए, वही फॉर्मेट आपका यहाँ पे शो करेगा। और सेम आपका टाइम का फॉर्मेट है, टाइम का फॉर्मेटिंग ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी ना किसी ओवर टाइम से 45 मिनट 30 सेकेंड, हमने 45 मिनट 30 मिनट हमने डाला हुआ है, पर गलती से जनरल फॉर्मेट हो गया। वापस अगर डेट का फॉर्मेट, टाइम का फॉर्मेट करते हैं तो याद रखिएगा, कोई और टाइम लेंगे तो आपको जो है वो याद रखिए 24 घंटे से ऊपर नहीं जाएगा। तो जब भी आपके 24 आवर्स से ऊपर का डेट होगा, टाइम होगा सॉरी, तो ये नीचे वाला 37.0.55 वाला फॉर्मेट को सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपको वापस में दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 = 24 आवर होता है, मतलब कि 1 डे अगर आपने 24 घंटे लिख दिया तो सिस्टम में हो गया
एक दिन, मतलब कि वन, जैसे मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ नंबर में होता है डेट कल। उसके अलावा छोटे मोटे हैं, जैसे कि परसेंटेज का सिंबल लेना है तो परसेंटेज सिंबल डाल सकते हैं, या तो यहाँ से क्लिक कर ले, यहाँ ऊपर है यहाँ से कर सकते हैं परसेंटेज का। फ्रैक्शंस जैसे कि 2/2.4 इस तरह से कन्वर्ट करना है वो ले सकते हैं। साइंटिफिक में खास नहीं है। टेक्स्ट, जैसे मुझे इस कॉलम में टेक्स्ट लिखना है तो मैं इसको सेलेक्ट करके टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे वो टेक्स्ट ही रहेगा। इस पे जो है ऑटोमेटिकली जब इसमें फॉर्मूला भी टाइप करेंगे तो फॉर्मूला हमारा परफॉर्म नहीं करेगा, टेक्स्ट बन के रह जाएगा, नॉन कैलकुलेटिव डेटा बन के रह जाएगा। ओके, तो ये थी आज की हमारी फॉर्मेट की क्लास। इसमें अगला टॉपिक जो है वो है कस्टम फॉर्मेटिंग। तो ये कस्टम फॉर्मेटिंग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा क्रिटिकल भी है, तो इसको हम कल जो है आपके सामने डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज की जो चीजें मैंने बताई है बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है, तो एक बार जो है आप उसका यूज कीजिए, फिर हम अगली क्लास में हम आपके साथ बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर, मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके बाय।